हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड जो है आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब चार ऑप्शन होंगे उस क्वेश्चन के। जो पहले आपका एग्जाम होता था उसी तरह का होगा और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 नंबर आपका जो काट लिया जाएगा। अगर एक नंबर का पेपर है तो 0.33 आपके जो है काट लिए जाएंगे अगर गलत होता है तो। और इसमें जो है दो प्रश्न पत्र होंगे। जो पहला आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा आपका भाषा का होगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में से आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी ले सकते हैं। 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों से। जनरल नॉलेज जो है सबको लेना होगा। 2 नंबर का एक पेपर होगा और 200 नंबर का टोटल पेपर है, यानी कि 100 क्वेश्चन है। और टाइम जो है आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। तो ये पहला जो है आपका आ, यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसमें लिखा है सबके लिए अनिवार्य है, यानी कि सबके लिए कॉमन है। और सेकेंड में आप जो है अपनी चॉइस के अनुसार जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में आप पेपर दे दें या फिर आप जो है हिंदी में इसका पेपर दें। जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर इसके बाद सेकेंड पेपर जो है जनरल एप्टीट्यूड का होगा और जनरल एप्टीट्यूड जो है आपका 50 नंबर का होगा इसको। और जनरल एप्टीट्यूड आपका जो है इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा। इसके अलावा जो इसका सेकेंड पार्ट है विषय योग्यता, इसमें आप कला या फिर विज्ञान या फिर वाणिज्य या फिर कृषि, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करें। 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 100 नंबर के। और ये भी आपका 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी आपको जो है 3 घंटे का टाइम दिया गया है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके डिटेल सिलेबस के लिए मैंने PDF दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा जो है अगर आप राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि कोई इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम आने पर जो है 15 नंबर दिए जाएंगे, द्वितीय आने पर अगर आप किसी गेम में हैं तो 10 नंबर, और तीसरे स्थान पे आए हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। टीम इवेंट में अगर सर्व विजेता चैंपियन टीम का सदस्य होने पर 15 नंबर, रनर अप का 10 नंबर मिलेगा, और अगर आप प्रतिभागी टीम के सदस्य हैं कि पार्ट लिया तो 5 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। या फिर किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेंट या फिर कोई खेल कूद क्रीडा प्रतियोगिता में अगर आप जो है विजेता रहे तो, या फिर उस टीम में रहे हैं जो विजयी हुई है तो 10 नंबर, और अगर आप एकल प्रतियोगिता में प्रश्न, यानी कि अगर कोई रेस हो रही है और उसमें आप पहले स्थान पर आएँ तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर NCC है आपके पास तो NCC का अगर सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर। इसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजन है, इसमें अगर 240 घंटे की सेवा की है और 2 विशेष शिविर आपने किए हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने 240 घंटे की केवल सेवा की और कोई एक विशेष शिविर में भाग लिया तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसी कोई योग्यता है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका डिटेल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, शहर के विकल्प आपके 75, यानी कि हर ज़िले में रहेगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिटेल सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।